हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ेंगे और उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा ब्रिक्स समिट है या जो टर्म हमारा जो ब्रिक्स है, ये फाइव कंट्रीज से मिलकर बना है। बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एच स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। सबसे पहले जो वर्ड है ब्रिक आया था 2001 में और ये दिया था गोल्डमैन स्नैच एसेट मैनेजमेंट के चेयरमैन जिम ओ नील ने। ठीक है, उनकी पब्लिकेशन बेटर बिल्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, BRIC and Small S। अगर मीटिंग की बात करें तो सबसे पहले जो फोर ब्रिक कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में इन सितंबर 2006। और अगर एक फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग की बात करें तो ये यकैटरिंग बर्ग रशिया में हुई थी 16 जून 2009 में। ब्रिक्स एक फाइव मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का संगठन है जो कि जिसकी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है 43% और इसका टोटल वर्ल्ड जीडीपी शेयर है 37% और इसका शेयर वर्ल्ड ट्रेड में है 17%। ओके, आज इसके समिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अभी तक 8 समिट हुए हैं। सबसे पहला जो समिट हुआ था इसका, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 16 जून 2009 रशिया में हुआ था। जो सेकंड समिट हुआ था वो हुआ था 16 अप्रैल 2011 ब्रसीलिया, ब्राजील। जो थर्ड समिट हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 2011 सैनिया, चाइना। फोर्थ समिट हुआ था 29 मार्च 2012 न्यू दिल्ली, इंडिया। फिफ्थ ब्रिक्स समिट हुआ था 26 से 27 मार्च 2013 डर्बन, साउथ अफ्रीका। सिक्स ब्रिक्स समिट हुआ था 14 से 16 जुलाई 2014 फॉर्टालिजा, ब्राजील। सेवन्थ ब्रिक्स समिट हुआ था 8 से 9 जुलाई 2015 उफा, रशिया में। और जो लास्ट ब्रिक्स समिट, जो एट्थ ब्रिक्स समिट है, वो 15 से 16 अक्टूबर 2016 गोवा में हुआ था, इंडिया में। ओके, अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं जो हमारे ब्रिक्स समिट में हुए हैं। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सबसे पहला जो हुआ था वो थर्ड ब्रिक्स समिट में हुआ था, जो हमारा हेल्ड हुआ था 14 अप्रैल 2011 चाइना में। इसमें हुआ ये था कि साउथ अफ्रीका को इंक्लूड कर लिया गया था जो ब्रिक कंट्रीज थे, उसके बाद से हमारा बन गया था ब्रिक्स। ठीक है, इसके फोर्थ समिट जो कि 29 मार्च 2012 में हुआ था, इसमें अनाउंस किया गया था एक ब्रिक्स केबल की। ये एक तरीके की ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में फैलाई जाएगी फॉर द टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है, सिक्स ब्रिक्स समिट जो हमारा हुआ था वो 14 से 16 जुलाई 2014 ब्राजील में हुआ था। इसमें ब्रिक्स के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के खुद के बैंक और ब्रिक्स के कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन हुए थे। जो हमारा सेवन्थ ब्रिक्स समिट हुआ था वो 8 से 9 जुलाई 2015 रशिया में हुआ था। इसमें हमारा ये एक ज्वाइंट समिट था विद SCO एंड EU। आइए देख लेते हैं जो हमारा एट्थ ब्रिक्स समिट जो अभी हाल ही में गोवा में हेल्ड हुआ था, इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया ने ही होस्ट किया था। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सोल्यूशन। अगर इसको सिंपल टर्म्स में देखें तो जो हमारा ब्रिक्स जो वर्ड है वो इससे कोरिलेट कर सकते हैं हम। बी स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिव, आई स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिव, सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव एंड एस स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। नाउ ड्यूरिंग इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप वी विल अडॉप्ट क्योंकि हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, फाइव प्रोलॉन्ग अप्रोच। ठीक है, सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग टू फर्दर डीपन सस्टेन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ब्रिक्स कॉपरेशन। ठीक है, जो सेकंड हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस समिट्स, मतलब जो भी हमने डिसीजंस लिए थे प्रीवियस समिट्स में उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और फिर हमारा जो तीसरा है वो था हमारा इंटीग्रेटिंग द एक्सिस्टिंग कोऑपरेशन मैकेनिज्म, जो भी हमारा कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उनको, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। फोर्थ पॉइंट है हमारा इनोवेशन। ठीक है, कोऑपरेशन इसका मतलब जो कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उसमें कैसे नया इनोवेशन वगैरह लाया जा सके। कॉन्टिन्यूटी, डेट इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ म्यूचुअली अग्रीड एक्जिस्टिंग ब्रिक्स कोऑपरेशन मैकेनिज्म। अगर इन शॉर्ट में बात करें तो ये हमारे चार आई हैं और लास्ट में एक सी है।
आई मीन्स सबसे फर्स्ट आई मीन्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, सेकेंड आई इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड आई इंटीग्रेटिंग, फोर आई इनोवेशन एंड सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी. ओके दैट्स इट. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.